नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। देश कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहा है, लेकिन एक जंग सियासत की जा रही है। जी हां, इंतजामों से लेकर तैयारियों तक पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के लिए अब चाहे जितने दावे कर लिए जाएं, बीते चार हफ्तों में भारत के हालात बिगड़े रहे। ऐसे में विपक्ष ने सरकार को कटघरे में खड़ा करने की हर संभव कोशिश की। जवाब अब सत्ता पक्ष की ओर से भी आने लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के आक्रामक रुख के जवाब में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में नड्डा ने कहा है, महामारी में कांग्रेस के रवैये से दुखी हूं, लेकिन हैरान नहीं, राहुल गांधी समेत कांग्रेस नेता छल और तुच्छता के लिए जाने जाएंगे। भारत पूरी हिम्मत के साथ कोविड से लड़ रहा है, लेकिन कांग्रेस को बवंडर खड़ा कर लोगों को गुमराह नहीं करना चाहिए। भारत में वैक्सीन को लेकर उदासीनता कभी नहीं रही, लेकिन 100 वर्षों में आई इतनी बड़ी महामारी में कांग्रेस ने वैक्सीन को लेकर भड़काया। फरवरी और मार्च के आंकड़ों से साफ है कि कौन से राज्य कोविड को नहीं संभाल सके। पंजाब जैसे राज्यों में मृत्यु दर ज्यादा क्यों है? प्रधानमंत्री मोदी विज्ञान और संघीय ढांचे के अनुरूप महामारी से निपट रहे हैं। नड्डा की यह चिट्ठी 7 मई को सोनिया के उन बयानों के बाद लिखी गई, जिसमें उन्होंने CWC बैठक में सरकार को घेरा था। कांग्रेस का नेगेटिव एटीट्यूड है तो आपको सबको दिख ही रहा है। कांग्रेस के जमाने में जिस तरीके की हरकतें हुई, भाजपा वो हरकतें करने को तैयार नहीं है, लेकिन कांग्रेस के कर्मकांड हम भूल गए हैं ऐसा भी नहीं है। नड्डा ने कोरोना पर पहली बार सोनिया को चिट्ठी लिखी। इससे पहले सोनिया एक बार और राहुल गांधी दो बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर सरकार पर हमले कर चुके हैं। पिछले महीने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी पीएम को चिट्ठी में सरकार की कोरोना नीति पर सवाल खड़े किए थे। मनमोहन को जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा था कि कांग्रेस नेताओं को राजनीति ना करने को कहे, लेकिन अब जब सोनिया पर नड्डा ने हमला किया है तो कांग्रेस इसे अहंकार कह रही है। तरफ कांग्रेस पार्टी जो अपना राजधर्म विपक्ष के होने के नाते भी निभा रही है कि सरकार को अच्छे सुझाव दे रही है, सरकार को क्या करना चाहिए, कहां पे गलत वो सरकार रही, वो इन सब चीजों को सरकार को बता रही है। लेकिन यह सरकार की रूलिंग पार्टी के अध्यक्ष आज सोनिया जी को चिट्ठी लिख करके जिस अहंकार पूर्वक जवाब उन्होंने दिया, आज हम सब लोगों का शर्म से झुक जाना चाहिए। जिस प्रकार से चिट्ठी उन्होंने लिखी, आज द लैंसेट, IMA और नेचर जो बातें कह रही है, वही बातें, सेम टू सेम वही बातें राहुल जी ने, सोनिया जी ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने बार बार कहा है। तो क्या आपका मतलब सभी के सभी राजनीति कर रहे हैं और आप नहीं कर रहे? कोरोना महामारी की दूसरी लहर में सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, बल्कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से लेकर बंगाल के CM ममता बनर्जी और झारखंड के CM हेमंत सोरेन के बयानों और चिट्ठियों पर हंगामा हो चुका है। दिल्ली से आनंद पटेल के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली में बस कुछ ही दिनों का वैक्सीन बचा हुआ है और वैक्सीन का संकट दूर करने के लिए वैक्सीन बनाने का फॉर्मूला दूसरी कंपनियों को भी दिया जाना चाहिए, जिससे ज्यादा उत्पादन हो सके। बीजेपी ने केजरीवाल पर पलटवार किया कि केजरीवाल सबको वैक्सीनेशन पर लगातार विज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन न वैक्सीन पर ग्लोबल टेंडर दिया, न कहीं से वैक्सीन का प्रावधान किया। हमारा लक्ष्य है कि आने वाले 3 महीने में सभी दिल्ली वालों को वैक्सीनेशन लगा दिया जाए, लेकिन एक बड़ी समस्या आ रही है और वो है वैक्सीन की कमी की। दिल्ली में हमारे पास अब केवल कुछ दिन के वैक्सीन बचा है और ये समस्या देशव्यापी है। पूरे देश में इस वक्त वैक्सीन की भारी कमी हो रही है। कुछ राज्य तो ऐसे हैं जहाँ वैक्सीन न होने के कारण अभी तक वैक्सीनेशन शायद शुरू भी नहीं हो पाया। वैक्सीनेशन ड्राइव है, उसमें MCDs अब तक 150 सेंटर्स चला रही थी। एक तरफ वैक्सीनेशन का हल्ला किया हुआ है और दूसरी तरफ 60 वैक्सीनेशन सेंटर्स को बंद कर दिया है और लगातार एडवर्टाइजमेंट आ रहा है दिल्ली में यूनिवर्सल वैक्सीनेशन जो है वो अरविंद केजरीवाल प्रोवाइड करने वाले हैं। ना तो अभी तक कोई ग्लोबल टेंडर किया है, ना कहीं से वैक्सीन का प्रावधान किया है। यही विपक्ष के लोग वैक्सीन के विरुद्ध युद्ध में लगे हुए थे,
युद्ध ये नहीं था कि हम लोग इकट्ठे होकर पहले 60 से ऊपर वालों को वैक्सीनेट करवा दें। युद्ध ये था कि ये हिंदुस्तानी वैक्सीन चलनी नहीं चाहिए, आप फाइजर को अलाउ करो, आप इसको लेके आओ, उसको लेके आओ, और अपनी वैक्सीनेशन पॉलिसी के तहत लोगों के मन में भ्रम पैदा करने का काम इन्हीं लोगों ने किया। बिहार की राजनीति